हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे BCHCT 133 जून 2022 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन टू पार्ट में गिवन है और यहाँ पर आंसर किस तरीके से लिखना है ये दिया हुआ है। टू आंसर शीट में आप लोगों को लिखना होगा। पार्ट वन एक आंसर शीट में, पार्ट टू एक आंसर शीट में, एंड मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में उसका मार्क गिवन है। एंड पार्ट वन में है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड इक्विलिब्रिया। तो यहाँ पर है 1 to 7 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 7 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर वन है क्या है, व्हाट आर स्टेट फंक्शंस, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज दैट आर स्टेट फंक्शंस, ठीक है ना। तो इसका आंसर करेंगे, स्टेट फंक्शन लिखेंगे और उसका टू एग्जाम्पल देंगे कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज जो है वो स्टेट फंक्शंस है। वन इज स्टेट फंक्शंस, ए स्टेट फंक्शन इज द वन हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इरेस्पेक्टिव टू सॉरी इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ इट इज अचीव्ड। यह है स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन। स्टेट फंक्शन इज द वन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ इट इज अचीव्ड। तो फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर स्टेट फंक्शंस। ठीक है ना। तो टू एग्जांपल्स देने के लिए बोले थे, तो टू एग्जांपल हो गया। देखिए, उसके बाद और क्वेश्चन गिवन है, डिफाइन हेटेरोजेनियस सिस्टम गिविंग एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू हेटेरोजेनियस सिस्टम लिखना है। तो ये क्वेश्चन है वन ए का और, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है हमें हेटेरोजीनियस सिस्टम क्या है और इसका एक एग्जांपल क्या है। हेटेरोजीनियस सिस्टम, ए हेटेरोजीनियस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ टू और मोर होमोजीनियस सिस्टम दैट आर सेपरेटेड बाय फिजिकल बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ए बेकर कंटेनिंग आइस इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन बी, कैलकुलेट
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ क्रिप्टॉन फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ 100 K टू 500 K, एन आइसोबेरिक प्रोसेस एंड एन आइसो कोरिक प्रोसेस। तो इन वन क्वेश्चन नंबर 1B, 1B, 1, वी नो दैट फॉर आइसोबरिक प्रोसेस द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू पी इक्वल्स टू एन सी पी एम डेल्टा टी। तो यहाँ पर गिवन दैट सी पी एम इक्वल्स टू 20.78 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एन इक्वल्स टू 2 मोल डेल्टा टी इक्वल्स टू 500 माइनस 100, दिस इज इक्वल्स टू 400 K, देन क्यू पी इक्वल्स टू 2 × 20.78 इंटू 400 जूल, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 20 and 2, तो यहाँ पर 800 एंड इंटू 20.78 जूल, तो 800 इंटू 20.78 जूल इक्वल्स टू 16.624 किलो जूल। तो आंसर में देख लीजिएगा, आंसर यही आ रहा है, और एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोगों के कैलकुलेटर में क्या आ रहा है। उसके बाद नंबर 2, फॉर आइसो चोरिक या फिर कोरिक, आई थिंक कोरिक प्रोसेस द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इज क्यू वी इक्वल्स टू एन इंटू सी वी एम डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू हेयर सी वी एम इक्वल्स टू 12 सी वी एम इक्वल्स टू 12.47 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स 2 मोल एंड इनटू 400 केल्विन, तो 12.47 इनटू 800, दिस इज इक्वल्स टू 9.976 किलो जूल, ठीक है ना। तो यह है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, स्टेट हेंस हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। तो हेस लॉ क्वेश्चन नंबर 2A द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विथ ए गिवन केमिकल रिएक्शन
इज द सेम वेदर इट अकर्स इन ए सिंगल स्टेज और इन मेनी स्टेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ इज सेकेंड पार्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ इज द नेट एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटरमीडिएट स्टेट थ्रू व्हिच द सिस्टम पासेस एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हेस लॉ is that the thermo chemical equation can be added and subtracted like algebraic equation. इक्वेशंस ये था सिग्निफिकेंस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B, प्रेडिक्ट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्लस HBr सी सिंगल वन सी डबल वन सी एच टू इस तरीके से दिया हुआ है प्लस HBr यू मे बी फॉलोइंग द बॉन्ड एंथैल्पीज. ये बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना. तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं. सी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B. रिएक्शन क्या है, सी थ्री सी है, यहाँ पर डबल वन है, ये सी एच टू गिवन है, तो यहाँ पर एच एच लिख लेते हैं, ठीक है ना. एंड यहाँ पर एक एच है, तीन बॉन्ड हो गया और एक बॉन्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर थ्री बॉन्ड आएगा, है ना. एंड यहाँ से प्लस एच बी आर है, एच बी आर प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं. और यहाँ से क्या आया है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया है, डबल बॉन्ड और पी आर इसके साथ आ गया है ना. तो यहाँ पर सी सी सी, यहाँ पर बी आर आ गया है और ये सिंगल बॉन्ड हो गया है एच, यहाँ पर भी एच आ जाएगा एक, और यहाँ पर भी तीन साइड में एच आ जाएगा, यह है ना. और एक बार देख लेते हैं, देखिए यही दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना. तो अब हमें क्या निकालना है, बॉन्ड एंथैल्पीज. तो देखिए मैं किस तरीके से निकाल रहे हैं, बॉन्ड द बॉन्ड्स बीइंग ब्रोकन, कौन कौन सा बॉन्ड यहाँ पर ब्रोक हुआ है, कौन कौन सा बॉन्ड था रिएक्शन के पहले वो लिख लेते हैं. सी सी बॉन्ड था, वन सी सी बॉन्ड था, सी डबल वन सी बॉन्ड था, कितना वन था. सी एच बॉन्ड कितना था यहाँ पर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स सी एच बॉन्ड था. एंड एच बी आर बॉन्ड था वन, ठीक है ना. ये सभी बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रोक हुआ है. और जो यहाँ पर बॉन्ड मेक हुआ है तो वो कितना बॉन्ड है, द बॉन्ड बीइंग मेड. तो सी सी बॉन्ड कितना आया है, यहाँ पर टू बॉन्ड आया है, सी सिंगल बॉन्ड सी दो बॉन्ड है तो टू. एंड यहाँ पर सी बी आर एक बॉन्ड है, एंड सी एच जो बॉन्ड है
वो कितने आ गए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड आ गए है ना, 7। तो अब देखिए, द एनर्जी स्पेंड ऑन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, द एनर्जी स्पेंड ऑन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 इंटू, यहाँ पर देखिए 1 इंटू सी सी बॉन्ड। तो सी सी बॉन्ड का क्या है, यहाँ से हम ले रहे हैं 1 एंथैल्पी, सी सी बॉन्ड का 3 4 7। किलो जूल मोल इनवर्स प्लस 1 इंटू सी डबल बॉन्ड सी 620 किलो जूल मोल इनवर्स एंड प्लस ये बॉन्ड एंथैल्पी, ये क्या है रिएक्टेंस, प्लस 6415.9 किलो जूल मोल इनवर्स प्लस 1366.1 किलो जूल मोल इनवर्स। तो सभी को प्लस करने के बाद ये क्या आ रहा है यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू 3828.5 किलो जूल मोल इनवर्स। द एनर्जी रिलीज्ड ऑन मेकिंग द बॉन्ड्स बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया है उसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 347 किलो जूल मोल इनवर्स प्लस 1 इंटू 234 किलो जूल मोल इनवर्स प्लस 7 टू 415.9 किलो जूल मोल इनवर्स एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3839.3 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है ना, अब दोनों को माइनस करेंगे। नाउ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा आर एच नॉट इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल्स टू 3828.5 माइनस 3839.3 किलो जूल मोल इनवर्स एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10.8 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है ना, यह है आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एनी टू स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एनी टू स्टेटमेंट मतलब बहुत सारे यहाँ पर स्टेटमेंट गिवेन है, वहां से एनी कोई भी दो आप लोगों को लिखना है। तो मैंने दो छोटा छोटा लिखा है, ब्लेक एंड एक लुइस, दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, अभी मैं लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3A, ब्लैक तो क्या आ जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू कॉन्ट्रास्ट एन एंजिन व्हिच विल वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट एक्सेप्ट द राइजिंग ऑफ ए
वेट एंड कूलिंग ऑफ ए हीट रिजर्वर एंड उसके बाद लुइस इन एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी ऑफ ऑल बॉडीज कॉन्सर्न इज इंक्रीज्ड उसके बाद और का आंसर करेंगे व्हाट इज रेसिडुअल एंट्रोपी व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम सो रेसिडुअल एंट्रोपी रेसिडुअल एंट्रोपी द एंट्रोपी ऑफ सम प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलिन सॉलिड्स इज फाउंड टू बी नॉन जीरो एट जीरो के एंड इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एंट्रोपी तो रेसिडुअल एंट्रोपी व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम सो दैट रेसिडुअल एंट्रोपी तो इसका आंसर ज्योमेट्रिकली फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम सोस रेसिडुअल एंट्रोपी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस टेकन इन ए सिलेंडर फिल्ड विथ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन एंड ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 1 dm³ एट 400 K. द गैसेज आर सो थर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सप्लेन सॉरी एक्सपांडेड टू 5 times इट्स इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस तो वॉल्यूम का यहाँ पर 5 times एक्सपांड हो जाने पर एंट्रोपी चेंज जो है वो कितना आएगा यहाँ पर ठीक है ना तो एंट्रोपी चेंज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 3B द एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपांसन ऑफ ए गैस इज गिवन बाय डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 NR log V2 बाय V1 तो हेयर एन इक्वल्स टू 1 mole 1.0 mole 1 mole लिखा हुआ है 1 mole एंड V1 इक्वल्स टू 1 dm³ एंड V2 इक्वल्स टू 5 times तो 1 × 5 दिस इक्वल्स टू 5 dm³ R इक्वल्स टू तो गिवन है ये कांस्टेंट है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स नाउ डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू लॉग ऑफ 5/1 जूल केल्विन इनवर्स
एंड दिस इज इक्वल्स टू 13.384 जूल केल्विन इनवर्स। कैलकुलेटर में ये वैल्यू देकर पुट कर लीजिए, कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट कर लीजिए, उसके बाद जो आंसर आया यहाँ पर लिख लीजिए।